नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल रॉकेस्टार एजुकेशन में मैं हुरास अगर आपने 2024 में मैट्रिक पास किया है और आपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर दिया है तो आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या है कैसे चेक करेंगे हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे तो अगर आपने दस हज़ार स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका आवेदन कहाँ लंबित है और अगर आपने यूजर आई पासवर्ड आने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया यानी कि फाइनलाइज कर दिया है तो आपका जो है करेंट स्टेटस अभी क्या है आपको पेमेंट कब तक आ जाएगा इसके विषय में हम आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी यह आप अपने से खुद से चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से अपने लैपटॉप के माध्यम से अपने कंप्यूटर के माध्यम से आइए बिना कोई देरी के हम आपको बताते हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं फर्स्ट डिवीजन या फिर सेकेंड डिवीजन तो आपको अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो कैसे अपना करंट स्टेटस देखेंगे कि क्या बता रहा है आपके स्टेटस में सिंपली कुछ नहीं करना आपको गूगल पर आना होगा गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मेघासॉफ्ट बिहार डॉट बिहार डॉट एन डॉट इन ये वाला वेबसाइट आपको लिखना है या फिर आप मेघा सॉफ्ट भी लिखेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे ये यह वाला जो है मुख्यमंत्री बालक बालिका ये टेंथ पास देखने को मिलेगा पहला वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है ये मैट्रिक पास वाले का है सिंपली आप देखिए सबसे टॉप पर देखने को मिल रहा है अप्लाई फॉर्म अप्लाई फोर ऑनलाइन 2024 हज़ार चौबीस रजिस्ट्रेशन ओपन पंद्रह अप्रैल से लेके 15 मई तक है आवेदन आपको पता है कि बहुत सी छा छात्राएं जो कि आवेदन कर चुकी हैं और या फिर कुछ चुका है सिंपली आपको अपना करेंट स्टेटस देखना है कि आपका आवेदन का जो स्थिति है वो क्या है और कहाँ पर आपका लंबित है या फिर कहाँ से वेरीफाई हो चुका है इसके लिए सिंपली आपको पहले वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का जो है खुलकर आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ पे क्लियरली ऊपर पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2024 जैसा कि आपको पता है नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का यहाँ पे दे रखा है होम स्टूडेंट ऑफिशियल लॉग स्टूडेंट लॉग रिपोर्ट और करेंट कॉन्टेक्ट दिखा हुआ है सिंपली आपको अभी अपना करंट स्टेटस देखना है कि आपका स्टेटस कहाँ है सिंपली यहाँ पर आना है स्टूडेंट वाले जॉन पर इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे पहला रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो सिंपली स्टेटस चेक कराएंगे करंट स्टेटस तो यहां पर चेक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे अगर आपको आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपका यूजर आई पासवर्ड नहीं आया तो इस पर क्लिक कर, कर आप अपना यूजर आई पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हैं लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो है अपलीकेशन स्टेटस अभी क्या है सिंपली ये दो नंबर वाला जो है स्टूडेंट पर आना है स्टूडेंट पर यहाँ पे यहां दो नंबर पे लिखा हुआ है चेक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट इस पर क्लिक करना है इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का जो है पेज खुलकर आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेज को खुलने के बाद यहाँ पे आपको आपके मार्कशीट पर आपके एडमिट कार्ड पर या फिर आपके जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंसन होगा यहाँ पे आपको डालना होगा और सर्च बटन पर क्लिक करना होगा हमने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो इस प्रकार का देखने को आ जाता है जैसा कि याद देखते हैं यहाँ पे पहला है सीरियल नंबर दूसरा है डाउनलोड तीसरा है स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे है स्टूडेंट का नाम आधार नंबर मोबाइल नंबर अकाउंट वेरिफिकेशन वेरीफेश स्टेटस और फैनलाइज और साथ में एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे देखिए अगर आपको एक नंबर दे रखा है यहाँ पे अगर आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन का जो पी डाउनलोड करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करा था उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर कॉलेज का स्कूल का नाम यहाँ पर आपका नाम आपका जो आधार नंबर का फोर डिजिट और मोबाइल नंबर का फोर डिजिट और देखिए यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है यहाँ पर बेनिफेश स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पे जो देखिए नाम वेरीफाइड है जो देखिए जितना भी वेरीफाई होगा सारा ग्रीन हो गया होगा देखिए पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है और फाइनेलाइज स्टेटस में ये नो है तो याद रहे अगर आपका स्टेटस फाइनलाइज स्टेटस में नो है और आपका अकाउंट वेरीफिकेशन यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है और ये सारा का सारा वेरीफाइड है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर आई पासवर्ड के माध्यम से लॉग करना है और इसको फाइनलाइज कर लेना है जैसे ही फाइनलाइज कीजिएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेडी फॉर पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा तो अगर आपका नो है तो उसको आप येस कर लेंगे जैसे ही येस करेंगे आपका फाइनलाइज हो जाएगा याद रहे अगर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में यहां पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको वेट कर लेना है क्योंकि आपका जब तक अकाउंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है ये सारा आपका वेरीफाई नहीं होगा तो ये वेरीफाई हो जाने के बाद आपको वेट कर लेना है थोड़ा सा और होने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप उसको फाइनलाइज कर लीजिएगा और फाइनलाइज जैसे ही होगा आपका जो है एप्लीकेशन एट्रस में रेडी फॉर पेमेंट लिखाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अपना करंट एट्रेस चेक करना आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो देखने के लिए आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में फॉलो कर लीजिएगा मिलते हैं अगली दिन तब तक के लिए धन्यवाद